अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए पीनट बटर की रेसिपी लेकर आए हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है और घर में इसे इजीली बनाया जा सकता है। तो हम बाज़ार से लेकर आते हैं लेकिन आज हम आपको बताएं कि घर में कैसे इसको बड़े ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड। तो डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप पीनट बटर खाइए, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको ज़रूर बनाइए। और वैसे भी आपने खाया होगा तो आपको पता होगा इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो आज वही हम घर पे बनाने वाले हैं, तो आइए बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले हम मूँगफली हमको चाहिए, तो एक कप हमने इसी से ले लिया है, एक कप। तो आपको जितना बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ हमको थोड़ा 2 चम्मच ऑयल चाहिए। तो वेजिटेबल ऑयल है, आपके पास मूँगफली का तेल हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। और 1 चम्मच हमको हनी चाहिए, तो बस इतना ही चाहिए फ्रेंड। और इसको हम पहले रोस्ट करेंगे, तो सूखा ही रोस्ट करना है हमको इसको। तो हमने इसका गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है। इसको हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे मीडियम आँच पे और अच्छे से इसको रोस्ट करना है। तो ये अच्छे से जितना अच्छा भुनेगा उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो इसको हम भूनेंगे इस तरह, ये अच्छे हो गया है। और थोड़ी देर इसको हम ऐसे इसी बनाएंगे, इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाइए और उसके बाद इसको ठंडा करके फिर इसका छिलका निकालेंगे। तो फ्रेंड आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन जो क्लिक करा करिए, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी ही पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो आप इस तरह बनाइएगा फ्रेंड, तो आपको बाहर से लाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसको आप कई फ्लेवर में बना सकते हैं, जैसे आप इसको क्रंची बना सकते हैं, थोड़ा दरबरा करके भी थोड़ा रख लीजिए और जब आप इसको क्रीमी स्मूथ पेस्ट बनाइए उसके बाद उसको ऊपर से डाल दीजिए। और इसमें चॉकलेट भी मिला सकते हैं आप। तो आप एक ही चीज़ से आप कई चीज़ बना सकते हैं। तो आज हम जो बेसिक चीज़ है वो हम बताएंगे और आप उससे आप कई चीज़ बना सकते हैं। तो हम क्रीमी है जो पीनट बटर होता है वही बताने वाले हैं, तो आप उससे आप कई चीज़ें बना सकते हैं। आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट अगर बनाइएगा तो उसमें फिर ये हनी मत डालिएगा, सिर्फ ऑयल डालिएगा और ये चॉकलेट पाउडर और ये पीनट रहेगा, बस इतना ही रहेगा। तो ये हम ऑफ कर दे रहे हैं, जो हो गया है इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसके जो छिलका इससे निकालेंगे और बहुत इजी तरीके से बता देंगे आपको कैसे छिलका निकालते हैं। तो ऐसे हमने एक कपड़ा ले लिया है मोटा, तो आप उसको ऐसे इसमें रख दीजिए जब ठंडा हो जाए, और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से करिएगा तो अच्छे से इसका छिलका निकल जाता है। फिर इस तरह से इसमें छानते भी जाएंगे इसको, इस तरह से बड़े आराम से निकल जाता है। देखिए तो जब आप इसको भूनिएगा फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ आंच पे काट देंगे इसको तो ये इसकी महक जो होती है ना बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी। और आप इसको बना के रख लीजिए, कम से कम 2 महीने ख़राब नहीं होता है, एयर टाइट कंटेनर में कांच वाले में रख लीजिए, तो बिल्कुल बहुत दिन तक रख सकते हैं आप इसको। और इसको आराम से ब्रेड में लगाइए, पराठे के साथ आप इसको डेजर्ट में कुल्फी बनाइए उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम बना सकते हैं इसकी। तो ये बहुत सारा इसका फ़ायदेमंद वो है, हर चीज़ उसको बना के रख लीजिए तो कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप भी खाइए, अपने खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो इसको एक बार फिर से करेंगे, अभी इसमें पूरा नहीं निकला है तो एक बार इसको चाल दें, ऐसे कर दें और फिर एक बार इसमें रगड़ लेंगे। तो पहले हाथ ही से कर लेते हैं इसमें थोड़ा ही है। तो फिर हमारा अच्छे से देखिए छिलका इसमें मूँगफली का निकल गया है, अच्छे से एकदम साफ हो गया है। तो अभी इसी तरह करिएगा, बहुत इजली निकल जाता है। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो एक मिक्सी का जार इस तरह ले लें। तो पहले अभी हम एक बार ऐसे ही पीस इसको ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें मिलाएंगे। इस तरह से अभी से ही थोड़ा बटर निकल आया इसका, तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें डाल देते हैं। तो इसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं, आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। अगर सेंधा डालेंगे तो आप व्रत पे भी इसको खा सकते हैं, किसी वैसे मतलब पराठा वगैरह के साथ अगर आप अनाज खाते हैं उसमें। तो इसको हम डाल देते हैं, तो ये नमकीन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये बहुत ही हाफ टी स्पून है, हाफ का भी हाफ है, तो इतना ही नमक हमने डाला है इसका। थोड़ा अभी बाद में डालेंगे, आधा भी डालेंगे। बाकी 2 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल है, अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल ये इसका मूँगफली का ऑयल है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, पीनट ऑयल और या फिर सोयाबीन ऑयल,
लेकिन सरसों या और कोई इस तरह का फ्लेवर वाला मत यूज़ करेगा। तो ये 2 चम्मच हम इसको डाल दे रहे हैं, और इसमें शहद का यूज़ करेंगे फिर, तो इससे बहुत अच्छा इसका कलर भी आता है। और तो एक बड़ा चम्मच थोड़ा और लेंगे बस, तो ये बहुत ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा फिर। तो आप हनी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही क्रीमी आ जाएगा इसका टेक्सचर। तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये फ्रेंड कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है ये। तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल और भी डाला है, तो 2 चम्मच तो आपके सामने डाला था, और 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा और डाला, क्योंकि हमारी मूंगफली, अगर कभी कभी मूंगफली की क्वालिटी पे भी होता है, अगर बहुत सूखी है तो उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है। और हमने 2 चम्मच शहद भी डाला इसमें, तो आप भी देख कर करिएगा, अगर आपकी मूंगफली में ज़्यादा ऑयल निकल रहा है तब आप उतना ही रखिएगा, नहीं तो आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। इतना लिक्विड ही होना चाहिए कि हम स्प्रेड कर पाएँ इसको। देखिए तो ये बिल्कुल फिट है, अब हम स्प्रेड करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, अपने घर में आप इस तरह से पीनट बटर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया इसका। तो कहीं से लग रहा है कि बाजार वाला नहीं है ये, कितना क्रीमी और कितना देखने में भी खूबसूरत है, और खाने में तो बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड। तो इसको खाने का मन हो आप ब्रेड के साथ इसको खा सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी है, आप भी खाइए, बच्चे बच्चों को भी दीजिए। तो देखिए कितना कितना अच्छा बना। तो आपने पीनट बटर तैयार कर लिया अपने घर पे, तो आप भी इसको बना सकते हैं अपने घर पे, और बहुत ही प्योर है, बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसको बनाइए। और अगर आप इसमें कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं, जैसे कि चॉकलेट वाला बनाना साथ चाहते हैं, तो आप उसमें चॉकलेट डालिएगा, और हनी मत डालिएगा, और ऑयल डालिएगा, और चीनी, पिसी हुई चीनी डाल दीजिएगा 3 चम्मच, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है, और मुझे तो यही बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप इसको बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करा करिए, जैसे जो भी है हमारी रेसिपी वो आपसे जल्दी पूछे, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, चलिए बाय बाय, टेक केयर।